तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अभी छठ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। मेरे को मौका मिला तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने फ्रेंड्स को भी, जो मेरे दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करूं, उनके साथ भी शेयर करूं। वीडियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत लग रहा है अभी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30, छठ का फेस्टिवल। मैंने सुना था इसके बारे में बट आज मैं देखा, ये देखिए चारों तरफ दीपक ही दीपक, रोशनी ही रोशनी, एकदम गोल्डन सा माहौल हो गया इधर। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी लोगों में क्रेज़ है इस फेस्टिवल के लिए। रात भर सोते नहीं और अर्ली मॉर्निंग वो आके ये फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और जब सूरज अभी होगा मॉर्निंग में, तो उसके बाद उसको जल देके ये पूजा क्लोज़ की जाती है। तो लोगों में बहुत क्रेज़ है, बहुत भीड़ है चारों तरफ। अभी थोड़ा अंधेरा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। और ये देखिए सारे फ्रूट्स वगैरह ये सब ऐसे बम्बू के बॉक्सेस में ये लेकर आते हैं। और पूजा शुरू हो चुकी है, अभी वो दिए वगैरह जलाएंगे और फिर वो नदी में करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता ही रहूँगा। वो बहुत ही सुंदर अभी अद्भुत नज़ारा, मतलब अलग ही एकदम अलग सा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, ये देखिए दूसरे साइड का, बहुत ही सुंदर। ये देखिए काफ़ी भीड़ है उस तरफ भी, आपको हल्का सा दिख रहा होगा। देखिए वहाँ पे भी पूजा शुरू हो चुकी है और काफ़ी गहरा पानी है बीच में। ये ब्रिज के ऊपर का ये सीन है, ये देखिए लाइट, डीजे वगैरह लगाया हुआ है और डीजे भी स्टार्ट है। वो कॉपीराइट क्लेम हो सकता है सॉन्ग से, इसलिए मैं आपको वो सॉन्ग आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने उसको म्यूट कर रखा है। बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, मज़ा ही आ गया, एकदम पैसे वसूल है। बहुत ही क्रेज़ है बिहार में इस फेस्टिवल का, और अब तो बिहार ही छोड़िए पूरे इंडिया और वर्ल्ड में भी ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। हर जगह बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है ये, लोगों में बहुत क्रेज़ है इस फेस्टिवल का। कहा जाता है कि बिहार के रहने वाले जो भी अदर स्टेट में रहते हैं वो कोई फेस्टिवल इतना नहीं मनाते जितना इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। बहुत ही मान्यता है, दूर दूर जो भी आउटसाइड वर्क करते हैं, काम करते हैं, नौकरियों के लिए दूसरी जगह जाते हैं, वो कहीं जहाँ पे भी होते हैं वो छठ के लिए स्पेशली वो वापस घर आते हैं और ये फेस्टिवल मना के ही वापस जाते हैं। बहुत क्रेज़ है इसका। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, आपको पूरा दिखाता रहूँगा मैं। काफ़ी अंधेरा है चारों तरफ ये देखिए। और अभी मैं आपको दूसरे साइड दिखाता हूँ, ये देखिए इधर इस साइड जो मेरे बैक साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये लोग, और देखिए काफ़ी भीड़ है इस साइड में भी। अभी हल्की सी रोशनी होगी तो आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा अंधेरा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। तब भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूजा शुरू हो चुकी है, कितने मतलब लोगों में क्रेज़ है। ये देखिए नदी के पार बैठे हुए, ठंड लग रही है बट लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, इतनी एनर्जी है इस फेस्टिवल को लेके और बहुत ज़्यादा ही। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये धीरे धीरे शुरू हो रही है पूजा। और उस साइड का नज़ारा कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना रॉयल लग रहा है। वाह, ऐसा सीन जल्दी देखने को मिलता नहीं है। लोगों की आस्था बहुत ही ज़्यादा है इस फेस्टिवल को लेके। और ये देखिए हल्का सी सुबह हुई है, और ये देखिए ये बंदे हैं 2-3 जो मतलब नदी में हैं, वो जो दीपक जलाई जाती है तो उसको थोड़ा सा बीच में नदी के बीच तक लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं। और ये देखिए कितना ही अद्भुत नज़ारा है, लोगों में कितना उत्साह है, काफ़ी अच्छे से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये देखिए काफ़ी दूर तक आपको
दिखेगा, मतलब जो बैठे उनके पीछे भी लोग खड़े हुए हैं, आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। हल्की हल्की नीली नीली सी रोशनी हो रही है, सुबह होने ही वाली है, और थोड़ी थोड़ी सी ब्लू सी लाइट टाइप की। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए अब धीरे धीरे पूजा शुरू हो चुकी है और लोगों ने दीप प्रज्वलित करना शुरू कर दिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। ठंड भी है और लोगों को मतलब पानी भी बहुत ठंडा है, बट लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा है कि इन सब के पीछे कुछ पता नहीं चलता है। बहुत ही सुंदर, ये देखिए गन्ने वन्ने लगा रखे हैं, ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये ऊपर के साइड में देखिए लोग, हम कितने नीचे हैं, ये देखिए ऊपर से भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली जिनके नीचे है वो देखिए ऊपर से भी, जो नीचे नहीं गए हैं ऊपर से भी खड़े होकर इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर भी काफ़ी भीड़ है, मैं आपको ऊपर का भी दिखाऊंगा जब पूजा क्लोज होगी। ये देखिए अभी हल्की सी रोशनी तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितने दूर तक है लोग, ये देखिए बहुत ही सुंदर, एकदम अलग सा ही फील हो रहा है, अलग सा ही नज़ारा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आज पता चला कि ये फेस्टिवल इतना क्यों मनाया जाता है, इतना क्रेज़ है लोगों में, इतनी श्रद्धा से मनाते हैं। ये देखिए दूसरे साइड का काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर, बहुत ही अद्भुत। हल्के हल्के से आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, लाइट्स वगैरह लगी हुई है, कोई इतनी दिक्कत परेशानी नहीं लोगों में। ये देखिए ये ऊपर के साइड में देखिए वैन वगैरह सब खड़े हुए हैं, डीजे ऑन है। ये देखिए ऊपर के साइड का फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं लोग इस फेस्टिवल को। और आपको हल्के हल्के से साउंड सुनाई दे रहा होगा, गाना ही बज रहा है, एक्चुअली लाइव म्यूजिक भी चल रहा है कहीं आसपास। ये देखिए दिन निकलना शुरू हो गया है और थोड़ा क्लियर दिखने लगा होगा आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छा। और मैं फ्रंट के साइड से थोड़ा व्यू ले नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है, बट पीछे से खड़ा होकर जितना मैं दिखा सकता हूँ आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए एक पूरे लाइन से काफ़ी दूर तक आपको दिख रहा होगा, काफ़ी लोग हैं। ये देखिए कितनी दूर तक का नज़ारा है, ये उस तरफ का नज़ारा, जो लोग नहीं आ पाए, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जिनको पता नहीं है, वो ये वीडियो देख के उनको
एक अंदाजा तो लग ही जाएगा कि कितना फेमस है ये फेस्टिवल। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर। मुझे भी मौका मिला तो मैं आ गया देखने के लिए, और अपने अपने तरीके से लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा और उजाला हो गया है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी धीरे धीरे पूजा ख़त्म होने को है, कुछ लोगों ने ख़त्म कर दिए, कुछ लोग कर रहे हैं क्योंकि सूरज निकल चुका है। अभी पूजा करने के बाद लोग नहाएंगे, जल चढ़ाएंगे और उसके बाद पूजा क्लोज हो जाती है। ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए दिए वगैरह जल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, और इतना मिट्टी है, इतना दलदल है, उसके बाद भी लोगों पर बहुत उत्साह है नीचे उतर के पानी में पूजा कर रहे हैं। ये देखिए उस साइड आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, उधर तो पानी में उतर चुके हैं लोग ऑलमोस्ट, लोग थोड़े से कम है इस साइड के अगेंस्ट, बट दूसरे साइड में है लोग। मज़ा है, अपने अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको भी देखिए, ये भी खुश हैं, इनको लगता है शायद पता लग गया कि मैं वीडियो कवरेज कर रहा हूँ तो बता रहे हैं ये कि वीडियो कवरेज हो रहा है। ये देखिए रिएक्शन देखिए खुश है लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ठंड में भी लोग आके पूजा फेस्टिवल ये मना रहे हैं। सल्यूट है इन लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर। ये देखिए कैमरे से भी शूटिंग हो रही है, ऊपर के साइड में देखिए मैंने आपको बोला था ना डीजे वगैरह लगा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा। ये अभी आपको अब थोड़ा सा उजाला मैं आपको दिखाता हूँ, हम थोड़ा सा नीचे हैं, ये सीढ़ी तो नहीं है प्रॉपर, बट वो मिट्टी की सीढ़ी बना के हम वैसे ही उतरे हैं नीचे। एंजॉय कर रहे हैं लोग फुल मस्ती के साथ। ये देखिए नहाना शुरू हो गया है, तो इतने ठंडे पानी में खड़े रहना ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, हिम्मत नहीं होती हमारे तो सर्दियों में नहाने की। यहाँ ये लेडीज़ पूजा के लिए इतनी देर से पानियों में खड़ी हैं, सैल्यूट है इनको। और ये देखिए प्रोसेस पूजा का, जल चढ़ाने से पहले की प्रिपरेशन, ये देखिए पूरे माथे से नाक तक सिंदूर लगाया जाता है इसमें। बहुत सुंदर, ब्रिज के ऊपर भी लोग खड़े हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल का, बहुत ही सुंदर। ये देखिए नहाना शुरू हो चुका है, जो लोग अभी अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने फेसबुक पे भी लाइव हूँ मैं, वो देख सकते हैं, और
ये वीडियो तो बन ही रहा है। और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल नॉन स्टॉप ब्लॉग, बाकी तो पता ही होगा आपको। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है, और इस दूसरी तरफ भी पूजा धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म हो चुकी है, लोग अब वापस जाना शुरू हो गई है। देखिए ये ऐसे गन्ने जो लगाए होते हैं लेके जा रहे हैं, और हम भी अब वापस जा रहे हैं। ये ऊपर की साइड हम आ चुके हैं, नीचे से ऊपर आ चुका है। ये देखिए लोग वापस अपने घरों की तरफ। ये देखिए सूरज, ये देखिए लोग, ये हम यहाँ पे थे नीचे जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था ऊपर की साइड में। ये देखिए इसी पॉइंट पे खड़े हैं, जो भाई साहब खड़े हैं यहीं पे, हम अभी पूजा कर रहे थे। हाँ तो बस यही है जो मैंने आपको बताया था, ये सीढ़ियाँ है जहाँ से ये उतर रही है, तो हम यहीं से आए थे, ये ब्रिज उसके नीचे। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है, लोग अब धीरे धीरे वापस जाना शुरू कर दिए। ये देखिए खेत वगैरह जुते हुए हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा सुबह सुबह का, अर्ली मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इससे होते हुए हम ऊपर की साइड में निकलेंगे मेन रोड पे। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सुना था छठ फेस्टिवल के बारे में, और काफ़ी जानने पहचानने अटेंड करने का मौका मिला, काफ़ी पास से देखने का मौका मिला। और अभी हम ये वापस ऊपर की साइड में दिखी है जा रहे हैं इस रास्ते से वापस घर पे। अलग ही फील होता है गांव के लाइफ का। ये देखिए ऊपर अभी मेन रोड पे आ गए हैं हम, और देखिए अभी काफ़ी भीड़ है। ये देखिए सूरज भी निकल चुका है अभी प्रॉपर तरीके से, काफ़ी ताज़ी और खुली हवा। ये देखिए वापस लोग जा रहे हैं, पूजा अभी क्लोज हो चुकी है, जब घर जाके व्रत खोलेंगे लेडीज़ लोग जिन्होंने भी व्रत रखा था। ये देखिए लोगों का रिएक्शन हमको पता लग रहा है, शायद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल यहाँ, सबको एकदम फ्रेश एयर मिलेगा ऑक्सीजन के लिए। चारों तरफ खुला ही खुला है, सुबह सुबह का टाइम, हल्की 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 ठंड हो रही है, और अभी हम अपनी कार में बैठ गए हैं। धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे अब, और घर की तरफ निकल रहे हैं हम। जैसे काफ़ी भीड़ थी इससे आपको भी अंदाजा लग रहा होगा, और अब हम वापस जा रहे हैं घर।